माड़े बंदे नूं दिहाड़ी ना लगन दा ताप ते कदी ना कदी चाड़ी जांदा है, पर मुख्य नूं आई दिहाड़ी ला के परतियां ही फूक ताप चढ़िया, ते ओह वी कांबे नाल। कस ते उहनूं दुपहरां दी हाई, पर इह कस थकड़े नालों वध उधरां दी हाई, पर मुखा मुखे दा इस गल पासे ध्यान ही ना गया। ध्यान जांदा वी किवें, उहदे अंदर ते सोचां दा तंदूर तत्ता होया हा, ना कोई राह नूं थां टिकाणा ते ना कोई औखे वेले टासणा देवण नूं वारू पारू। वो पार्क च लम्मा पिया अंदर दियां गाबरां ते घर दे जीआं बारे सोची जावे। उंज भी माड़े ते सरदे बंदे दा पार्कां विच लम्मिया पाउणा वक्खो वक्ख है। सिराणे दी थां सिर हेठ रखी जुत्ती ते सज्जे हाथ दी मुठ मीट के सिर नूं उच्चा करदिआं ठड्डा साह भर के अपने आप नाल गल्लां करदा होइआ आखण लगा, जे मैं गुलामी वाले हुसड़ां तों जान छडावण दी ना करदा ते पुजदियां दियां झिड़कां खाधी रखदा ते किहड़ा मन सोपिया घटदा हा। पिंड विच मेरी सियाण तिहाई है ते इत्थे भी मेरे कोल कोई नहीं, उत्थे मेरे बाल ते मेरे कोल हाण। गवेड़ी पिया बंदा किदे दा किदा ही निकल जांदा है। इंज भी गवेड़ी पिया उहनूं याद आया, उंज भी गवेड़ी पिया उहनूं याद आया पिंड विच हा ते पुजदियां दे दम्मी तों शाम तई इंज काम करदा हा कि काम करावण वाले थक जांदे पर मुखा सज्जो साया रहिंदा। वरतदियां होइआं मुखा अपने नाल बाजी दा छन्ना बेईआं रोटियां ते सजीआं झिड़कां नाल लै के आउंदा। बेई बाजी ते रोटियां उह अपड़दियां बालां अगे रख दिंदा, पर झिड़कां नूं बेईआं होवण तों पालू राह विच खा जांदा। मुखे दी सवाणी बुरड़े होए मूँह ते बेमौसमियां जरूड़ियां आलू वेख के ठड्डा साह भरदियां आखण लगी, बंदा एड्डा भी भला मानस ना होवे। ये गल सुन के मुखे आख्या, की मतलब है तेरा? उंदी सवाणी बोली, वध्यां घटियां टुकरां नाल गोटकू दुध भी मंग लवें तां कि तेरी शान घट जानी है, या उन्हां दे खजाने खाली हो जाने ने? मुख आखण लगा, जेब तू वड्डी गल करिए तां उह मिट्टी विच रोल जांदी है। तू शुकर कर लस्सी दा घुट लभ जांदा है, तू दुध नूं रोनी है। नाले मैं तां प्यो दादे लाऊं इह सुणदा आया, काम वाला बंदा दुध पीवे तां उस तों काम नहीं हुंदा, एवें सारी दिहाड़ी आलसिया वतदा है। मुख आख्या होया, गल नबेड़ी, चल छड्ड इन्हां गल्लां विचों की लैणा ई। इह गल अजे मुख दे मूँह विच आई जी उहदी घर वाली आखण लगी, मुखिया पुजदियां नूं चम नहीं कम प्यारे हुंदे ने। मुख दी घर वाली वी एक सवाणी हाई ते सवाणियां बंदियां दा जिगरा हिक जिहा नहीं हुंदा। निम्मो जाना मूँह करके मुख तू पुछण लग पई, तू ये दस सीर दे साल मुक्कण विच किन्ने दिहाड़े रहिंदे ने? ये गल सुन के मुख आखण लगा, माड़ियां दे सीर साह चलदियां तां ही हुंदे ने, ते तैनूं किस गल दी गाबर है? अज उचेच नाल ये गल पुछण दा की मतलब है? अगू आखण लगी, बस उवें ही पुछया है। मुखा बोलिया, मुड़ भी मुखे दे घर वाली चीजा के बोली, मेरा दिल हा तू ये दिहाड़ियां पूरियां करके पुजदियां दा काम छड़ दे। ये गल सुन के मुखा हैरान होकर उन्दे मूँह वल्लू वेखण लग पिया ते आखण लगा, ये की गल होई? चलो तेरी मन के काम छड़ देना, पर तू ये दस खाणा किदू है ते ये बाल किदू सामने ने? काम करन नाल बंदा लिस्सा नहीं हुंदा, पता नहीं तेरे कान विच केस फूक मारी है। दुध पीतियां जे बंदा मोटा होवे या चोखा काम करे तो मुड़ पुजदे तो काम करदे थके नहीं ना। डूंगा सोता हो गया, बालों नूं समा ते नाले आ भी सौं जा, एवें अद्धी राती बेअसैसी ना बना। मुख ये गल करके जुल्लड़ छिक लिया, छिक के उत्ते लै लिया तो सोची जावे, सियाणिया सच ही आख्या है, सवाणियां दा अकल खुत्ती विच हुंदा है। कमली आंदी है, मैं लिस्सा हो गया दुध पीता करा, जिमें अगे मैं दुधां दा पलिया होया। जान नूं सुख होवे तां खाधा पीता भी जुस्से नूं लगदा है, सजियां झिड़कां नाल ते अंदर छाणनी होया है, पिलती की आउणी है? बंदे दे जुस्से उत्ते लगियां सट्टां भावें जेड़ियां वड्डियां होवन गोली जांदियां ने, पर अंदर दियां गुझियां सट्टां ते जख्मी होई रूह वसेब दी रुत बदलण नाल ही गुलदियां ने। रात इन्हां गवेड़ां विच ही मुख लंघा दित्ती, एक दे मुखा बाजी ते बेईआं रोटियां नाल झिड़कां वी घर लै आया। पता नहीं अज उहदे जिगरे नूं की होया, मुड़ अंदर दियां गाबरां दे डर तू उस राह विच ना खादियां,
अज उस बेई बाजी रोटी दे नाल सजियां झिड़कां भी बालों अगे रख दित्तियां। बाल तां मुड़ बाल हन, उन्हां दे झिड़कां जेब ते रखण दी ढिल आई, उन्हां दे अंदर दे गांह खुल गए। जे उन्हां दे अंदर दे गांह खुल गए, जे झिड़कां पहचाणियां एडियां सौखियां आउंदियां तां मुख ही पहचा लैंदा। घाबरे हुए बालों के डुस्कारे सुन के वेहड़े दे बहन सुणन वाले हन, बालों के कुरलाट सुन के मुख दी घर वाली कबड़ी के बोली, मुखिया बेई बाजी रोटी घर लियावण ते मैं चुप रही आई, पर मैनू इस गल का पता नहीं आ किसे दिहाड़े तू सजियां झिड़क झिड़का सजियां झिड़का भी घर लाए उसे ते उत्तू बालों के अगे रख से जड़िया तो इतों नहीं पहचाईया गई। वह भला है मासूम बाल किवें पहचासन, जेकर झिड़का नाल बाल पलदे होंदे तो तेरे ते भी पिलती ना आ जाती। सानू भुखां दे गारे दियां उसरियां कद्दां दे वेहड़े विच कदों तई रखना है। तू अपने नाल नाल अपने बालों का भी मंदा मंगदा मंगण लग पिया है। वह बोलदी गई, आखन लगी, मैनू ये हौल है इन्हां झिड़कां ते तेरे अंदर जिहड़े गुलामी वाले हुस्सड़ पब्बां बार खड़ोते ने, किसे दे इन्हां तेरे साह पी लैने ने। उंदी घर वाली हंजवां नाल अखी हंजवां नाल भरिया अखां नाल आखन लग लगी, जे इंज ना होया तो मुड़ ये झिड़कां ते गुलामी वाले हुस्सड़ अपने बालों की रत विच रल जासन। मुखा बोलन लगा तो उंदा गाच भरीज गया, बुढ़दे बुलारे नाल आखन लगा, मैं किहड़ी लाम नूं जावां, बारू दुखां तू जान छड़ा के घर आना ते गरू वध उद्ध वध। मुख दी घर वाली डा के हाँ डा के आखन लगी, एक ते मैथे पेका कोई ना हा, उत्तू सहुरे भी पेकियां वर्गे, मेरे नसीब किसे बाब रोले दे हत्थी झाड़ गए ने। अखी पूज के आखन लगी, आज ताई तो मेरी मन्नी कोई नहीं, पर अज एक मेरी मान ला, ये पुजद्या के गुलप्पण छाड़ दे ते शहर टोर जा। एक ते हाथ सौखा हो जासी, दूजा तेरे गुलामी वाले हुस्सड़ तेरे मगरू लै जासन। मुख थोड़ी देर चुप कीती रखी तो मुड़ लम्मा जिहा होका भर के आखन लगा, शहर जावण तो मैं टुर जाना, पर तुहानू किंदे खसमाने करा कर जावा। यह गल सुन के मुख दी घर वाली आखन लगी, सानू तो अल्लाह नू सौंप, अजे मेरे भी नैण प्राण चलते ने, किसे घर दे भांडे मांझ के या बुखर दे के बालों का तो आपदा ढिड भरन का नमूना बना लईसा। इंज करन नाल हेक ते हथ सौखा हो जासी ते दूजा बालों की रत विच गुलामी वाले हुस्सड़ भी ना रलसन। गवेड़ तो गवेड़ आउंदे ने, इन्हां विच पिया होया बंदा इंज ही आउंदा है जिवें खड़ीजे होए खुरे नू त्रेडा देंदा खोजी। पार के चुगे हुए गाह बूटियां ते रांदे मच्छर नू भी पुजदियां दी तरह माड़ियां दी रात पीवण दी लाच हुंदी है, ते उत्तों माड़े दियां नाड़ी भी सौखियां लभ जांदियां ने। मुख गवेड़ी पिया आपदे गिट्टे तां खुरकदा रहा, पर उन्दा ध्यान इस पासे ना गया कि आपदे साफे नाल लत्तां काज लवे। मुख अखीरी छेक के साफ उत्ते लै लिया ते अपने आल दुआले निगाह मारी, उन्हूं पार्क विच कदाई टोलियां ते कदाई उन्दे वर्गे काल मुकल्ले बंदे बैठे नज़र आए। मोखा गरू आउंदियां होया सुफनियां दी चंगेर भर लियाया हा, पर सुफने भी तां नींदर नाल आउंदे ने। मुख दे सुफने भी अवले हाण जिहड़े कदी पूरे ना होने, पर उन्हां सुफनियां नूं वेखण वाले दे साह जरूर पूरे हो जांदे हन। इन्हां गवेड़ां विच पिया ही पालियां बांगां आवण लग पईआं। वह बांगा तो मुखा सुनता रहा, पर बांगा सुनद्या मुख की कदई आँख लग गई। माड़े बंदे दी लगी आँख ते उन्हूं लगी भुख दा तगा किन्ना कु हुंदा है। सुफनिया दे आवण तो भाळूं ही पार के सुत्ते पिया बंदियां नूं इंज लगा जिवें कोई भूचाल आ जांदा है, जिहड़ा जिथे ते जिवें सुत्ता पिया हा उठीज कन्ने वा भज पिया। मुख सिर चाह के वेख्या ते पार्क च बंदियां दी होड़ दौड़ पई हुई आई, पर उन्हूं इस होड़ दौड़ का पता उदों लगा जदों उस अपने आप नूं वेख्या, उन्दे कपड़े पाणियों पाणी दिसे जिवें शर्म विच बंदा। भुख तां भाळूं ही माड़ियां दी खल भुग्गी कीती हुंदी है ते उत्तों बेमौसमे लगे पाणी उन्हूं होर गाल छड्दे ने। पार्क नूं पाणी देवां नाले तां दे के अगां टुर गए, पर उह सहि चिर अपने नाल होवण वाले द्रव दा मुआंदरा वेखदा रहा। मुख गाल नाल साफा वाल के कपड़े लाए, बेजान हत्थां नाल निचोड़े ते मुड़ गल गात के सिराने रखी बिजी हुई सिलिपटी जुत्ती पैरी गात गत्ती ते पारक दे पासे नाल बने हुए फुटपाथ ते बतित्तर बन के बैठ गया। इन्ने नूं सोझला हो गया ते मुखा उठ के मजदूरां दे अड्डे वल टुर पिया।
ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਾ ਦੁਕਾਰਾ ਖੜੀਜੀ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਖੜੀਜੀ ਹੋਏ ਖੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਡਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾ। ਦੇਹ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁੰਬਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੱਖਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਖਬਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੰਝ ਵੱਜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਰੂਹ ਵੱਲੇ ਸਾਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੰਝ ਵੱਜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਰੂਹ ਵੱਲੇ ਸਾਹ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਦਾਰ ਪੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਤਰਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਮਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਨਗੋਰੀ ਅਤੇ ਖੋਚਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੰਗੇ ਦੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਸ ਡੁਲਾਵਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲੋਂ ਚੌਖਾ ਮਨੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਣ। ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਘਰੂ ਲਿਆਇਆ ਹਾ ਉਹ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਬਾਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਆਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਸ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਚਣ ਚੇਤੀ ਹੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ। ਮੁੱਖਾ ਮਨ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅਗੇਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਵਾਲਾ। ਮੁੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੋੜੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਾਸ਼ਾਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜਕਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਭਾਲੇ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਡੀਜ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਸਾਂ। ਨਿਮਾਸ਼ੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਪਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਅਣਦੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਘੜ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਮਾਂਦੇ ਪਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਾਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਾਂ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗਵੇੜ ਮੁੜ ਫੁੱਟ ਪਾ ਅਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਸੋਚੀ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਵੱਜ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਤਰਿਬ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬੈਂ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜੇ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੀ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਚੌਖੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਅਪੜਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਓ ਉਸ ਥੜੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗੱਟਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ। ਭਾਲੇ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਗੱਟੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪ 'ਚ ਵੰਡ ਵੰਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਂ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਥੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫੇ ਨਾਲ ਛੰਡ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਫੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਫੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਥੜਾ ਛੰਡ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗਵੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਬਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਉਸੜ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਖੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਗਵੇੜ ਅਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਾਸਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੁਬਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ। 25-26 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਣ ਦਾ ਮਦਾਰ ਪੁਣਾ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਸਰਫੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਵੀ ਤਾਪ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਤਾਪ ਆ ਅਤੇ ਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਜੰਬਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਜੰਬੇ। 3-4 ਦੇ ਉਹ ਤਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾ ਵਤਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਦਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ
जिहड़ी भुख दे डर तू उस दारू दवा ते पैसे ना आण खर्चे वह पैसे राती किसे थड़े ते सुत्ते पए दी डबक विचू काढ लए। क्यों जो उनकी हालत कमज़ोर ते ताप नाल चोखी बिगड़ी हुई आई उन्हू छड़ के ते आज तक किसे नू भी पता नहीं आ कि अज वो किस रंग विच पिया होया है। अज उन्हू थड़े दा भी चेता भुल गया। पार्क जिहड़े बूटे हेठ पिया हा उत्थे ही दम्मी हो गई। पार्कां नू पाणी देवां नाले पाणी दे के भी टुर गए। उन्दे हुस्सड़ निकल के खबरे किहड़ी लाम नू टुर गए। पर ना ते अज कोई भूचाल आया ना कोई द्रव होया। द्रव ते जींदियां नाल हुंदे ने। ये जनाब नूर हसन अरमान साहब अपनी कहानी त्रो नाल